दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि एक फ़ोटो एडिटिंग आपको मिल जाए सिर्फ और सिर्फ 20 MB तक ऑफलाइन वो भी, और आप उसे एक बार इंस्टॉल कर ले आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में और उसमें आप बहुत सारे फ़ोटो एडिटिंग, चाहे गिफ बनाना हो, सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। ये देख सकते हैं वही सॉफ्टवेयर है फोटो एस्केप। यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग यानी फ़ोटो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ यानी 15 से 16 काम आप इसमें कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गिफ भी आप बना सकते हैं, यानी बहुत सारे इमेज का आप गिफ भी बना सकते हैं चाहे फ़ोटो एडिटिंग करें। जैसे मैं फ़ोटो एडिटिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ मेनू पे और न्यू फ़ोटो, कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके किसी भी फ़ोटो को आप यहां पे आसानी से एडिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आप सब में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मतलब एक फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए या फिर लैपटॉप के लिए, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा डिटेल। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे फ़ोटो एडिटिंग के, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके एक अच्छा सा फ़ोटो एडिट कर सकते हैं या फिर गिफ भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपको एक नहीं मतलब 12 से 15 काम इसमें आप कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो एडिटिंग, जैसे गिफ बनाना है तो गिफ पे क्लिक कर दीजिए, कोई भी इमेज को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे गिफ बना सकते हैं। मतलब बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है पीसी और लैपटॉप के लिए जहां पे आपको फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल कम एमबी के, मतलब 20 MB का सॉफ्टवेयर यूज करके फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ गिफ बना सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये सॉफ्टवेयर एकदम 20 MB का है। आप मतलब 20 MB के सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक डेमो देता हूँ फोटो एडिटिंग का, फोटो एडिटिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा फोटो एडिटिंग थोड़ा बहुत तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसका इंटरफेस बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही सरल है। और इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेनू पे जाके न्यू फोटो पे करके मतलब आपको एक नया फोटो इसमें करना है, ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको एडिटिंग करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लड़की का PNG इमेज है, इसे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। अब इसे मान लीजिए कुछ भी मतलब टेक्स्ट करना है ऐड, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, मतलब पूरा फोटो एडिटिंग का काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मतलब कोई शेप बनाना है तो शेप भी बना सकते हैं, चाहे गोल हो या फिर रेक्टेंगल हो, किसी भी प्रकार का आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कलर हो या फिर कॉर्प हो, यानी आप इमेज को काटना चाहते हैं, यानी इतने ही इमेज का आपको काम है या फिर इतने इमेज का, जितना इमेज का काम है वो भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही मतलब क्या बताऊँ आपको कि 20 MB के सॉफ्टवेयर में आपको क्या मिलता है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे मतलब फोटो एडिटिंग और यहाँ पे देख सकते हैं गिफ। जैसे यहाँ पे गिफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिफ भी आपको बना के दे देगा। प्रिंट यानी प्रिंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेजेस यानी फ़ोटो अगर आप निकलवाने जाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो होता है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपने आप डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो को यहाँ पे डाल सकते हैं और आसानी से आपको एडिट भी नहीं करना पड़ेगा। एंड डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे बैच एडिटर पे जाएंगे तो बैच मतलब आप बना सकते हैं। मतलब पूरा पैकेज ही है 20 MB के सॉफ्टवेयर में, पूरा पैकेज दिया गया है। जो भी आपके बेसिक काम होते हैं सभी कामों के लिए यहाँ पे आपको पूरा एकदम सारा सॉफ्टवेयर आपको एक ही सॉफ्टवेयर में दे दिया गया है। तो इसका डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक लैपटॉप और पीसी है तो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कॉमेंट या डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।